नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में शादी समारोह में व्यक्ति पर फायरिंग, मची अफरा तफरी। गुरुग्राम में गैस एजेंसी से 37 लाख लूटने वाले को अपराध शाखा ने दबोचा। दिल्ली में गैंगस्टर के इश्क में डूबी पत्नी का खूनी खेल, पति को मार नहर में दिया फेंक। अलका लांबा ने की बीजेपी की तारीफ, बोली ऐसे समय में एक अच्छा फैसला लिया। स्लम में रहने वालों को भी शहर पर अधिकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया बड़ा दावा। सारा और कार्तिक दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम कर रहे हैं लव, आजकल वीडियो हुआ वायरल। एनजीटी की हिदायत, घातक है ध्वनि प्रदूषण, 3 महीनों में बनाए कार्य योजना। शास्त्री पार्क में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने 5 को रौंदा, 3 लोगों की मौत। सीआरपीएफ की 8वीं वर्षगांठ, अजीत डोभाल बोले देश कभी नहीं भूलेगा 40 जवानों की शहादत। दिल्ली में 17 साल की लड़की की गला दबाकर हत्या, आरोपी दोस्त गिरफ्तार। राफेल मामले पर प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी आप पार्टी। गैस टीचर्स मनोज तिवारी से मिलने गए तो बीजेपी दफ्तर से किया बाहर। दिल्ली की लड़कियों को लेकर चौंकाने वाला सर्वे, स्कूल से ही लगने लगी है ड्रग की लत। देश कभी नहीं भूलेगा पुलवामा के 40 सीआरपीएफ जवान की शहादत, अजीत डोभाल ने दिया बड़ा बयान। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से दिल्ली में 16,495 लीटर अवैध शराब जब्त। 22 राज्यों में 100 लोकसभा सीट कवर कर चुके हैं मोदी, 28 मार्च से उतरेंगे धुआंधार प्रचार पर। दिल्ली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं खिलाड़ी, अक्षय कुमार ने दिया सीधा जवाब। एनसीईआरटी की किताबों की बड़ी मांग, शख्स ने अवैध रूप से घर में ही छाप डाली 30,000 किताबें। आपकी सरकार का सार्वजनिक जगहों पर इस्तेमाल, आचार संहिता का उल्लंघन। और आखिरी खबर है दिल्ली एनसीआर से कि दिल्ली में आपसे गठबंधन पर कांग्रेस में बड़ी रार, शीला के बाद चारकों ने लिखा राहुल को खत। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।